मित्रों, कलयुग में लोगों ने अपने कुकर्मों को भी छोटे और बड़े पापों में बांट लिया है। ऐसे लोगों के लिए छोटे मोटे पाप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि अनजाने में पाप हो जाने पर कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है। सोचने वाली बात है, आखिर कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हिंदू शास्त्रों में पाप पुण्य से जुड़ी कई मान्यताएं बताई जाती हैं। अलग अलग पुण्य करना इंसानों को कैसे लाभ दिलाता है और दूसरी तरफ कैसे पाप करने से वह दंड को पाता है, यह सब शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। बात अगर पुण्य की है तो इसे प्राप्त कर व्यक्ति संतुष्ट महसूस करता है, उसे खुशी होती है कि उसने कोई अच्छा काम किया है। लेकिन जब वही बात पाप की आती है तो वह डर जाता है, इस पाप से वह खुद का बचाव कैसे करे इसकी नीति बनाने लगता है। किंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि अनजाने में कोई पाप का भागी बन जाए तो क्या होगा। इसी सवाल को कई सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी पूछा था, जिसे श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में बताया गया था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से यह प्रश्न किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। मित्रों, उससे पहले हम आपको बता दें कि सुखदेव कौन थे। वह महाभारत काल के मुनि और वेद व्यास के पुत्र थे। सुखदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे, और तो और सुखदेव जी ने वेद व्यास से महाभारत पढ़ी थी और उसे देवताओं को सुनाया था। उन्होंने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था। अब बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हे वर, कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं, तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। जिस पर आचार्य सुखदेव ने बड़ी ही सरलता से जवाब देते हुए कहा कि ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। जी हाँ, प्रतिदिन 5 प्रकार के यह यज्ञ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाते हैं। चलिए जानते हैं वह यज्ञ कौन कौन से हैं। सभी 5 यज्ञों की व्याख्या करते हुए मुनिवर बोले, राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है, कुछ सरल शास्त्रीय उपाय है जिन्हें यज्ञ के समान मानते हुए इस प्रकार का नाम दिया गया है। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। पहला यज्ञ। आचार्य सुखदेव ने बताया कि यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटियों के लिए प्रतिदिन 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों के लिए रोज अन्न 1 अलग बर्तन में डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर हर दिन जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। सुखदेव जी के अनुसार अगर कोई इंसान प्रतिदिन ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल वह अपने पापों के बोझ से मुक्ति पाता है, इसके साथ ही उन धार्मिक उपायों को करने से वह पुण्य भी प्राप्त करता है। वहीं मित्रों, अब आपको बताते हैं कि यदि आप छोटे मोटे पाप करेंगे तो आपको क्या सजा मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का अपमान। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नर्क की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। दूसरों का धन लूटना। पुराण के अनुसार फरिश्ते ऐसा पाप करने वाले को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक अपराधी बेहोश ना हो जाए। होश में आने के बाद फिर से पीटना शुरू हो जाता है। पति या पत्नी को धोखा। ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसों का उपभोग कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। शराब पीना। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर आप शराब पीते हैं तो अगले जन्म में कुत्ता बनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शराब पीने वालों का जन्म कुत्ते या मेंढक की योनि में होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शराब पीने वाले को अगले 70 जन्म तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पराई स्त्री के साथ संबंध। पुराण में उल्लेख है कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। तो मित्रों, आपने जाना कि अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाता है और कभी छोटे मोटे पाप कर दिए हैं तो उनकी सजा कैसे मिलती है। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
आज की वीडियो बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।